अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका शेफ अफजल निजामी। आप देख रहे हैं निजामी स्वीट एंड कुकिंग। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि माशाल्लाह बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ आप कमेंट्स भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मैसेज हैं मेरे पास जो कि जर्मन से जो है वो मैं बता दूं उनको कि देखें, अगर अंडे के बगैर आप रसमलाई बनाएंगे तो इससे बेहतर है कि खामखा खराब करने से बेहतर है कि आप ना बनाएं, ठीक है? क्योंकि वो तमाम जो भी आपका वो पाउडर है किसी भी प्रोसेस में आप ले आए उसको, या तो वो बहुत ठस हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, या फिर वो बिखर जाएगा। क्योंकि अंडा जो है वो पाउडर के साथ मिलके उसको कंबाइन करता है, उसको जब जोश आता है वो खुलता है, रसमलाई आपकी जब खुलेगी तो मैं समझता हूँ कि वो सही नहीं रहेगी। इससे बेटर है कि कोई और आप ऑप्शन ले लें, इसका रसमलाई ना बनाएं, ठीक है? और बकाया जो है वो बहुत सारे आपके कॉमर्ट्स हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो गाय बकाया मैं उसका जो है मैसेज कॉमर्ट्स के अंदर जो है वो आपको रिप्लाई भी करता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह आपके साथ साथ जो है वो जो भी मुझसे हो सका वो मैं इंशाल्लाह करूँगा। और आज जो है वो बेसन का पतीसा बनाएंगे, क्योंकि ईद की आमद आमद है और मैं समझता हूँ कि ईद के लिए जो है वो आपके लिए वो चीजें लेके आऊँ। आज इंशाल्लाह बड़ी जबरदस्त रेसिपी है, खुशबू वाली, मजे वाली, क्रिस्पी, और इंशाल्लाह आज जो है वो बेसन का पतीसा बनाएंगे और चलते हैं अपने किचन की तरफ। अच्छा जी, बेसन के पतीसे के लिए आपको आधा किलो बेसन जो है वो अच्छे तरीके से आपने इसको छान लेना है, और छानने के बाद जो है वो आपने इसको इस्तेमाल करना है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आधा किलो बेसन और इसके अंदर मैदा जो है वो 2 टेबलस्पून डालूंगा। मैंने पिछली दफा भी ये बताया था कि आपने मैदा लाजमी इसके अंदर डालना है कि बेसन जो है वो अच्छा सा हमारा भुन जाए, ठीक है? 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैदा और आधा किलो जो है वो बेसन है, और बेसन जो है वो अच्छा वाला आपने लेना है। और शीरे के लिए, चाशनी के लिए हमें जो है वो आधा किलो चीनी चाहिए, ठीक है? ये चीनी जो है आधा किलो है, इसके साथ 100 ग्राम जो है वो ग्लूकोज लिक्विड है, जो कि आज मैंने थैली से निकाल के जो है वो इसके अंदर प्याली में डाल दिया है। और इसके साथ जो है वो मेरे पास है येलो कलर, ठीक है? येलो कलर भी इसके अंदर डालेंगे, और साथ जो है 8-10 इलायची के दाने जो है इसको भी मैं पीस लूंगा और पीस के उसमें शामिल करूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि 400 ग्राम आधा किलो के अंदर 400 ग्राम घी है, ठीक है? ये हमारा घी, 400 ग्राम घी, आधा किलो बेसन हमारे पास। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, चूल्हे को स्टार्ट करते हैं और इसको गर्म होने देते हैं। थोड़ा सा हल्का सा ये जैसे ही बॉम होगा तो हम इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे। अच्छा जी, घी जो है ये हमारा बॉम से थोड़ा सा और गर्म हो गया है, थोड़ा सा ज्यादा आपने गर्म करना है, मेल्ट हो गया है हमारा घी। अब हम क्या करेंगे कि इस बेसन और मैदे को मिक्स करके हम जो है इसके अंदर कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है? और इसको बड़े आराम से, प्यार से, मोहब्बत के साथ जो है हमने इसको भूनना है। उस वक्त तक भूनना है जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू फैल के नहीं आ जाती, ठीक है? देखें, काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको समझ आ जाएगी उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन होता ये है कि असल इसके अंदर टेस्ट आना चाहिए, मजा आना चाहिए, खुशबू आनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जब तक ये आप चीजें जो है इसको जेहन में नहीं रखेंगे, इंशाल्लाह ये जो चीजें हैं ये आप पास नहीं हो सकते। अपनी ही मेहनत जो है वो आपने की, और करने के बाद जब आपने बाइट ली तो कहें मजा नहीं आया यार। तो मैं समझता हूँ कि एक एक चीज जब मैं बताता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि मैं अपनी तरफ से हर चीज बताता हूँ कि इसको खुशबू आने तक, जब तक आपका किचन जो है वो नहीं महकेगा उतनी देर तक इसको हमने हल्की आँच के ऊपर भूनना है, ठीक है? अब आँच में अगर आपको दिखा दूं तो ये देखें, ये आंच है इसकी, और पूरे बेसन को मैं इसी आंच के ऊपर जो है वो भूनूंगा जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू नहीं निकल के आ जाती। अच्छा जी, आप देखें कि माशाल्लाह अगर मेरे पास आप होते तो इतनी प्यारी खुशबू इसकी निकल के आ रही है, और बहुत ही जबरदस्त खुशबू है ये।
8-10 इलायची के दाने जो है उसको पीस के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और चूल्हे को बंद कर दूंगा मैं, ठीक है। और मैं बार बार ये चीजें समझाता हूँ कि पतीसे का बेसन जब आप भून लें तो भूनने के बाद आपने इसको उतारने के बाद भी जो है वो थोड़ी देर के लिए आपने इसको चलाते रहना है, कम से कम 2-3 मिनट तक जो है वो आपने इसको चलाते रहना है, क्योंकि इसके अंदर इतनी हीट होती है, गर्माइश होती है। अगर आपने इसको छोड़ के किसी भी साइड पे चले गए तो मैं समझता हूँ कि ये अंदर से जल जाएगा, ठीक है। और जरा सा ये माशाल्लाह हल्का सा ठंडा होता है तो मैं इसको छोड़ता हूँ। अब मैं इसको उतार दूंगा, एक साइड पे कर दूंगा और अभी इसको ठंडा करूंगा। ठंडा करने के बाद जो है मैं चीनी जो है फिर इसके अंदर हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये बहुत गर्म है, इसको हमने ठंडा करना है। इसके अंदर उंगली ठहर जाए, इतना ठंडा होना चाहिए कि गर्माइश हो, कोसा जैसे बोलते हैं, वॉर्म से थोड़ा सा ऊपर, ये आपने इसको वहां तक लेके जाना है। अभी माशाल्लाह ये 2 मिनट हो गए मुझे इसको चलाते हुए, तो आपने इसको क्या करना है कि फिर अब इसमें इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। अभी ये ठंडा होगा, उसके बाद जो है वो चीनी को चढ़ाएंगे, क्योंकि अभी इतना गर्म है ये कि अभी चीनी जो है वो इतनी आधा किलो तो चीनी है वो होगा ये कि मेरा ख्याल 5-6 मिनट के बाद जो है चीनी हमारी तैयार हो जाएगी। लेकिन हमारा ये बेसन जो है ये बहुत गर्म है, अभी हम चीनी नहीं चढ़ाएंगे, कम से कम इसको 15 मिनट इसका वेट करेंगे, क्योंकि ये ठंडा हो जाए उसके बाद चीनी जो है वो हम ऊपर पात के लिए, जिसे वो कहते हैं ना कि चीनी तैयार करने के लिए पतीसे की, तो उसके लिए जो है हम थोड़ी देर के बाद इसको चढ़ाएंगे। अच्छा जी, आपने देखा कि माशाल्लाह इसको मैंने ठंडा कर लिया है, लेकिन गर्म है अभी भी, ठीक है, अभी भी गर्म है। ये ना समझिएगा कि बहुत ठंडा, मैं अभी भी उंगली इसके अंदर नहीं लगा सकता, ठीक है। तो उंगली आपकी जो है वो इसके अंदर खड़ी हो जानी चाहिए, और आप अगर इस तरीके से देखें तो ये गर्म होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको जो है, अब ये ठंडा हो चुका है हमारे हिसाब से। अब मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर जो है वो 1/4 टीस्पून जो है वो इसके अंदर येलो कलर इसके अंदर शामिल करूंगा, ठीक है। 1/4 टीस्पून येलो कलर जो है, अच्छा लेमन जूस कलर ले लें वो भी अच्छा रहेगा, येलो कलर मिल जाए वो भी अच्छा है, कोई बात नहीं, कोई मानिया नहीं है। तो अब ये देखें कलर के साथ जो है, माशाल्लाह हमारा भुना हुआ बेसन और खुशबू से मेरा जो किचन है ये महक रहा है माशाल्लाह, ठीक है। अब ये हो गया हमारा बेसन तैयार। अब हम क्या करेंगे कि बेसन को जो है वो एक साइड पे कर देंगे, ठीक है। अब हम इस तरह जो है वो चीनी, आधा किलो बेसन, 2 चम्मच मैंने मैदे के इसके अंदर डाले हैं, अब आधा किलो चीनी जो है वो इसके अंदर मैंने डाल दी, और तकरीबन 1/4 बार नहीं है, 200 ग्राम पानी मैं इसके अंदर, 200 ml जो है वो पानी इसके अंदर शामिल करूंगा मैं, ठीक है। और इसके अंदर जाएगा 100 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, जो मैं बाद में डालूंगा। अभी मैं इसको चूल्हा स्टार्ट करते हैं और उबाल आने तक जो है वो हम इसको बदस्तूर जो है वो चलाएंगे। अच्छा जी, आपने देखा कि ये उबाल आ चुका है इसको, ठीक है, और चीनी को मैं इसको चलाता रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी थोड़ी सी जो वेस्टेज ऊपर आ रही है, जो झाग ऊपर आ रही है, उसको मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। ये इसकी झाग उठ गई। अब मैं क्या करूँगा कि पानी से हाथ को गीला करके ये जो इसके अंदर ग्लूकोज है इसको मैं 100 ग्राम ग्लूकोज, ये देखें ये 100 ग्राम ग्लूकोज जो है वो इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगा, ठीक है, अच्छे तरीके से, क्योंकि इसके साथ चिपका हुआ है। पहले मैं थैली में रहने देता था, लेकिन आज मुझे वो निकालना पड़ा, इसलिए कि वो थोड़ा सा ग्लूकोज, 100 ग्राम ग्लूकोज था, और निकाल के मैंने तोल के जो है वो इसके अंदर प्याली में शामिल कर दिया, प्याली में डाल दिया मैंने। अब ये भी जो है चीनी के अंदर शामिल हो गया। अब मैं हाथ को साफ कर लूंगा और इसको पकने दूंगा। अब हम इसको लेके जाएंगे गोली पे, जो कि पिछली दफा ही मैंने आपको समझाया था, ठीक है, पतीसा जब पिछली दफा मैंने बनाया था तो मैंने आपको समझाया था कि आपने इसको कड़क होने तक जो है वो हम इसको पकाएंगे, ठीक
और मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने सारी स्लेब जो है ये साफ कर ली है अच्छे तरीके से, पानी के साथ अच्छे तरीके से, क्योंकि बड़ी ठंडी है ये, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आता है इस पे काम करने का। तो आपके पास भी अगर घर में कोई पत्थर हो या कोई स्लेब हो तो मैं समझता हूँ कि उसी के ऊपर आप डालिएगा, मेरा जल्दी से जल्दी जो है ये ठंडी हो जाती है चीनी जो है। तो इंशाल्लाह आगे चल के जो है आपको बताएंगे, कांटा भी दिखाएंगे इसका, तोड़ के भी दिखाएंगे आपको, इसका जो क्रिस्टल है जो उसको क्रंच है इसके जो बनेगी वो भी आपको इंशाल्लाह आगे चल के दिखाएंगे, उस वक्त इसकी पकाई करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि चीनी हमारी जो है ये रेडी होने वाली है, अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर घी से जो है वो अच्छे तरीके से इसको लेप कर देंगे, और अच्छे तरीके से जो है वो इसके ऊपर हमने चीनी डालनी है, इसलिए हम पहले ही इसकी प्रिपरेशन जो है वो करके रखेंगे, तैयारी करके रखेंगे, क्योंकि चीनी हमारी बिल्कुल रेडी होने वाली है। और ये हमने इसके ऊपर जो है, अच्छा ये सूए आपको चाहिए जो पिछली दफ़े मैंने दिखाए थे, क्योंकि जब हम इसको खींचेंगे एक मुझे लड़का और चाहिए जो कि मेरे साथ होगा, कढ़ाई को पकड़ेगा और मैं जो है वो इसकी खिंचाई करूंगा। अभी माशाल्लाह चीनी जो है तैयारी पे है और थोड़ी सी देर है अभी इसमें, लेकिन मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ इसको, ठीक है। ये अब चीनी जो है माशाल्लाह कड़क होने पे गोली गोली पे जा चुकी है, मुझे उम्मीद है। तो अभी भी हल्की है, ठीक है, अभी भी नरम है, ये कड़क होगी तो मैं आपको सारा दिखाऊंगा कि ये माशाल्लाह कहाँ तक जाएगी। अभी ये कच्ची गोली पे है, ठीक है, ये उस पोजीशन में है कि जैसे ही हम इसको निकालेंगे ये जम जाएगी, लेकिन हमने कड़क करना है इसको, ठीक है। ये गोली जैसे ही कड़क हो, बस होने वाली 2 मिनट के बाद हो जाएगी, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अच्छा ये चीनी जो है ये हमारी रेडी हो चुकी है, अब मैं आपको इसका कांटा दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फौरन इसको उठाना होता है। मैं दिखाता हूँ आपको, चीनी आपने ली थोड़ी सी, ये है कि ये बिल्कुल जो है ये फौरन उतर गई, अब ये हमारी चीनी जो है ये टाइट हो जाएगी। इससे बेहतर है कि हम इसको जो है वो इस स्लेब के ऊपर जो है वो फैला दें इसको, ठीक है, और इसको बर्तन में जो है फौरन इसके अंदर आपने पानी डाल देना है, आसरा नहीं करना, ठीक है, वरना ये इतनी गाढ़ी हो जाएगी, इसके ऊपर लग जाएगी, चिपक जाएगी, फिर बाद में निकालना मुश्किल हो जाएगा, फौरन आपने इसको वो कर देना है, पानी डाल देना है इसके ऊपर। ये देखिए ये फौरन जो है ये टूटने वाली है, ये देखिए ठंडी करेंगे, ये गई, ठीक है, टूट गई। तो ये क्रिस्पी चाहिए हमें, अब हम इसको जो है वो उठा के, क्योंकि ये जो नीचे स्लैब है इसकी, ये माशाल्लाह इसको फौरन फौरन से ठंडा कर देती है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करके फिर आपने इसको ठंडी होने के लिए छोड़ देना है। और अब बेसन को उठा के इस तरफ ले आते हैं, और इसको नीचे सख्त बेसन बैठ जाता है, इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा, और इसको अच्छे तरीके से चलाएंगे हम, क्योंकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। मिक्स होने के बाद हम अभी इसको चीनी को जो है वो मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि साइडों से ये ठंडी हो रही है, साइडों से सख्त हो जाएगी, इसलिए हम इसको जो है वो मिक्स करते हैं कि अच्छे तरीके से ये हमारी चीनी जो है वो ठंडी हो जाए, और ठंडी भी हमने इतनी नहीं करनी कि ये कड़क हो जाए, हमने फिर भी इसको हाथ नहीं लगेगा, इतनी गर्म है ये, तो इसको ठंडा करेंगे और थोड़ी सी इसकी जगह जो है उसको चेंज कर देते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये चीनी हमारी ठंडी हो जाए। अच्छा जी, ये हमारी चीनी जो है ये रेडी हो चुकी है, अब हम इसको साफ करके, ये जो चम्मच है हमारा इसको साफ करके हम हटा देंगे, और बिस्मिल्लाह करके जो चीनी है ये देखो ये इसके अंदर हम डाल देंगे, और डालने के बाद हम इसको
अब इस तरीके से ये लड़का मैंने साथ ले लिया है, ठीक है, इस तरीके से हम इसको चलाएंगे कि इसके रेशे जो हैं वो बिल्कुल बारीक हो जाए, ठीक है, इस तरीके से। ये जो मोटी मोटी चीनी है ना, इसको आपने इस तरीके से सुबह की मदद से, क्योंकि बहुत गर्म है, ठीक है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने हाथ के साथ जो है वो इसको चलाना है या हाथ के साथ आपने इसको छेड़ना है, ऐसा ना कीजिएगा, ठीक है। सख्त वाली लकड़ियां हो फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करके इसको ले जाएंगे, बिल्कुल हम माशाल्लाह ये अच्छी सी खचाई हो जाएगी इसकी, और अब इसको हम खेते रहेंगे इसी तरीके। अच्छा जी, अब ये हमारा पतीसा जो है ये माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त है। अब ये देखें पीछे कैसे इसके रेशे जो हैं वो बने हुए हैं। अब हम इसको दबा के थोड़ा सा खोल देंगे, ठीक है, ये देखें, ये देखें, ठीक है, इसको खोल देंगे और बड़ा जबरदस्त ये पतीसा जो है, बेसन का पतीसा हमारा तैयार हो गया। इसको खोलेंगे इसलिए कि जरा खस्ता हो जाए बिल्कुल, लेकिन अभी गर्म है, मैं इसलिए तो आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमने इसको खोल दिया है और अभी और थोड़ा सा ठंडा होता है तो हम इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा जी, आपने देखा कि ये जो है ये हिस्सा हमने काट लिया है इसका, और मैं आपको इसके रेशे दिखाता हूँ। ये देखो बड़े जबरदस्त इसके रेशे बने हैं, ये देखो, ठीक है, बालों की तरह खस्ता बिल्कुल, ये देखो, ठीक है, बहुत जबरदस्त जो है ये पतीसा तैयार हो गया है। ये देखें इसके रेशे, ये मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था। अब हम क्या करेंगे कि इसके पीस काट के, ये देखो बहुत जबरदस्त है ये देखो क्या जबरदस्त इसके रेशे जो हैं ये तैयार हो गए। अब हम क्या करेंगे कि इस पतीसे को काट के इसके पीस बना के इसको खूबसूरती के साथ जो है वो प्लेट के अंदर सजा के पिस्ता बादाम पिस्ते से जो है वो गार्निश करके हम आपको दिखा देंगे। तो आपने देखा माशाल्लाह कि ये बेसन का पतीसा जो है ये आप, मैंने आपको लम्हा ब लम्हा जो है जिस तरीके से करते रहे मैं आपको समझाता रहा, और बड़े अच्छे तरीके से मैंने बना दिया, कितनी खूबसूरती के साथ इसको सजा दिया है पिस्ते के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाजिम बनाएंगे और ईद की दुबाला खुशियां जो है वो करेंगे आप। उम्मीद करता हूँ कि अपनों को, अपने प्यारों को, अपने हमसायों को जो है वो इसको एक एक पीस करके भिजवाइएगा, बहुत इज्जत मिलेगी, बहुत मजेदार, बहुत जायकेदार, बहुत खुशबूदार है, और आप इसको जरूर बनाइएगा और बना के मोहब्बत प्यार और दाद वसूल कीजिएगा। और चलते चलते एक प्यारा सा शेर कह दूं कि तेरे हाथों की करामत की तो क्या बात है माँ, तेरे हाथों की करामत की तो क्या बात है माँ, मुझको तो तेरे कदमों की मिट्टी भी शफा देती है। इसके साथ ही अफजल नामी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।